कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खुशहाल होंगे। और आज मैं बनाने वाली हूँ हरे प्याज की सब्जी। तो हरे प्याज की सब्जी को हम कैसे साफ करते हैं, कैसे बनाते हैं, मुझे भी पहले नहीं पता था, तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। और ये देखो, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये क्या कर रही है? चलो बस बोलो शनाया, बोलो। चैनल बोलो माय, आई एम शनाया सेठ। आई एम शनाया सेठ। और सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। एंड सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। यस। तो अभी चलिए मैं साफ कर लेती हूँ हरे प्याज को। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये हरा प्याज ला के रखा है, अभी अभी मैं फ्रेश फ्रेश लेकर आई हूँ और इसको मैं करने वाली हूँ साफ। तो इसे साफ करने का ना बड़ा ही आसान तरीका होता है, इसे इस तरीके से यहाँ से काट लेना होता है, और काटने के बाद इसका ये जो स्टेम है ना, इसको इस तरीके से हमको निकाल लेना होता है। ये जो होती है ना, ये हल्की सी पक्की वाली स्टेम होती है, इसमें प्याज की लेयर होती है, तो इसको हमें निकाल लेना होता है। और ऐसे करके, और ये देखिए इसे इस तरीके से काट करके, और बाकी यहाँ से पीछे से भी हमें हल्का से इसे काट देना है, और इस तरीके से ये देखिए स्टेम बन जाती है। तो इसी तरीके से मैं सारी की सारी साफ कर लूंगी। देखो मेरी आंखों में कितना प्याज लगता है, मैं प्याज कभी भी काटती हूँ या फिर प्याज का कोई भी काम करती हूँ ना, मेरी आंखें बहुत ज्यादा जलती हैं। तो अभी आप देखिए मेरी आंखों में कितने सारे आंसू आ गए हैं। देखिए मैंने इतना सा प्याज है ये सलाद के लिए रख लिया है, इसे मैं अलग से स्टोर करके रख लूंगी। जो बाकी की है इसका हम सारा का सारा बारीक बारीक काट लेंगे सब्जी बनाने के लिए। इसे मैं काट लेती हूँ। देखिए मैंने तेल के अंदर हल्का सा जीरा डाला है, हींग डाला है, और हल्दी पाउडर और हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, और ये मैंने आलू डाल दिए कटे हुए, और इन आलू को मैं हल्का सा फ्राई होने दूंगी। जब ये हल्के से ब्राउन होने लगेंगे, फ्राई होने लगेंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें हरा प्याज डालूंगी। तो काफ़ी आसान होती है ये सब्ज़ी बनाना, पर बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो आजकल ना हरी प्याज का काफ़ी सीज़न चल रहा है, सर्दियों में तो सभी तरीके की सब्ज़ियाँ होती हैं जिनका सीज़न चलता है, तो हम इस तरीके से इनकी मज़ेदार टेस्टी सी सब्जियाँ बना करके खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे ब्राउन होने देती हूँ। देखिए आलू हमारे ब्राउन हो चुके हैं और अच्छे से भुन गए हैं, और अब इसमें मैं ये जो कटी हुई प्याज है इसको मिला दूंगी। और इसमें नमक मिला दूंगी। अब इसे बीच बीच में हमें चलाते हुए हर 3 से 4 मिनट में इसे चला लेना है, और लो फ्लेम पर हमें इसे 10 मिनट के लिए पका लेना है, और उसके बाद हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। तभी मैं कवर कर देती हूँ, थोड़ा सा ये पक जाए। मज़ेदार रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, और है ना कितनी रसदार और मज़ेदार, बनाना काफ़ी आसान है इस रेसिपी को। बन गई है, और अब मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ।
इस तरीके से हमारा लंच हो चुका है और अब मैं आपको ना एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। वैसे तो आप सभी को ही लगभग पता ही होगा और ये है हैंडी चॉपर। ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। मेरा पुराना वाला टूट गया था, उसकी डोरी निकल गई थी, तो मैंने ये नया ऑर्डर किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, जिनके पास नहीं है तो आप भी अपने किचन में इस यूज़फुल प्रोडक्ट को ज़रूर रखिए। ये देखिए, ये इस तरीके का होता है और इसके ऊपर ये ढक्कन होता है। ये बहुत अट्रैक्टिव कलर्स में आता है, तो मैंने मुझे ये वाला कलर मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो मैंने इसी कलर में इसे मंगवाया है। और ये देखिए, ये इसके यहाँ पर तीन ब्लेड्स हैं और यही ब्लेड्स हैं मेन चॉपिंग का काम करते हैं। और एक बाउल है, इसके अंदर हम जो भी चीज़ों को चॉप करना होता है उन्हें डालते हैं। लेकिन सबसे पहले ना इसे मैं वॉश करने वाली हूँ, क्योंकि जब भी किसी भी नए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें तो कभी भी बिना वॉश किए हुए हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें कई तरीके के केमिकल का भी हाथ लग सकते हैं या फिर किसी भी तरीके की पैकिंग होते टाइम भी हाथ लग सकते हैं, तो हमेशा नए प्रोडक्ट को हमें करके ही यूज़ करना चाहिए। तो मैं इसे अच्छे तरीके से वॉश करूँगी और इसके जो ब्लेड्स हैं ना, इनको तो कभी वॉश मत करिएगा, हाथ नहीं कट जाएं आपके, क्योंकि ये काफ़ी शार्प होता है। तो इसे मैंने ना, ये जिसके ऊपर साबुन था जिसके अंदर बाउल में, मैंने उसी बाउल में उस ब्लेड्स को रख दिया, वो अपने आप ही धुल जाएंगे। और इसके ढक्कन को भी मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी और अब इसे अच्छे खुले पानी में धो लेना है। और धोने के बाद अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ, जिनको नहीं पता है कि इसे यूज़ कैसे करना है, तो चाहे हमें प्याज के परांठे बनाने हो या गोभी के या फिर आलू के या फिर मेथी के या हरी मिर्चें चॉप करनी हो या लहसुन और या अदरक, तो छोटे से छोटे यानी एक मिर्च को भी हम इसमें आसानी से चॉप कर सकते हैं। तो बस हमें इसे रफली सा चॉप कर लेना है और उसके बाद हमें जो ढक्कन है ना, इसको इस तरीके से लगा देना है। और ये आप देख सकते हैं हैंडल के लिए जो हैंडल दिया है ना, बस इसी को और ऊपर से हमें ढक्कन को हाथ से प्रेस कर देना है और उसके बाद इसे हमें खींचना है। इसके अंदर एक डोरी है जिसको खींचने के साथ ही ये बहुत ही इमिडिएटली बिल्कुल बारीक तरीके से ये चॉप हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट। अगर हम सोचिए जरा, इतना बारीक बारीक अगर चाकू से चॉप करने लगे तो आप सोच सकते हैं कितना टाइम लग जाएगा हमारा इसे चॉप करने में। देखिए है ना कितना बारीक बारीक। और इसके बनाएंगे अब हम मज़ेदार परांठे। अच्छा, बहुत हो गया काम और अब मैं तो गई हूँ थक और मैं देखने जा रही हूँ अब मूवी। तो 3 घंटे बस मेरा अब रिलैक्सिंग टाइम है और मैं देखने वाली हूँ, ये देखिए, गेस करिए कौन सी मूवी है, ये देखिए। तो मूवी टाइम शुरू हो चुका है और ये देखिए जी, मैं दुर्गामती देखने जा रही हूँ और मैंने ऑन कर दिया और मेरे हस्बैंड ने ना बिल्कुल हॉल वाला इफेक्ट बना दिया रूम को। देखिए मेरे तो मज़े लग गए, मैं तो लेट गई सोफे पे, कंबल ओढ़ लिया है और लाइट बंद कर दी है। मेरे हस्बैंड ने लाइट बंद करके ना एकदम मतलब कि हॉल वाला इफेक्ट बना दिया। और देखिए ट्री के अंदर वो जो छोटी वाली दिवाली वाली लाइट्स होती हैं ना, उन्हें मैंने डेकोरेट किया, तो कितना सुंदर लग रहा है इस टाइम पे ट्री। और बस मैं अब मूवी देख रही हूँ और ये जो मूवी है ना, ये मुझे क्या बताऊँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जिस करेक्टर को हम सोच रहे थे ना कि सबसे ज़्यादा ईमानदार है, असल में मतलब लास्ट तक भी हमें ये नहीं पता था कि ये करेक्टर ऐसा हो सकता है इस फिल्म में, ये खास बात है कि वही करेक्टर जो है यहाँ पर लोभी निकला, लालची निकला। और जो भूमि है ना, इनकी एक्टिंग तो मुझे बहुत ही मस्त लगी, बहुत ही बेस्ट लगी। और बाकी किरदार तो सभी के एक से बढ़कर एक थे, हर किरदार ने अपनी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। मैं तो कोई तारीफ़ करने लायक नहीं हूँ, बट जितना मैं आपको बताऊँ मुझे जो महसूस हुआ, तो मुझे भूमि की भी एक्टिंग और सबका किरदार बहुत ही बढ़िया थे, तो अमेजिंग मूवी थी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ और देख लेती हूँ इस मूवी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।